सो हेलो गाइस, बैक विद अनदर वीडियो। तो आज हम उड़ाने वाले हैं पतंग। मौसम हुआ था एकदम खतरनाक, बिल्कुल जहर। तो बोर ही हो रहा था मैं घर पे, तो अब मन कर गया कि पतंग उड़ाते हैं भाई। तो अपन पतंगबाजी दिखाने वाले हैं आज आपको। मैं बताऊंगा अभी कि कैसे कन्ने वगैरह बांधने हैं पतंग की और हर चीज। तो जुड़े रहे, वीडियो बिल्कुल जहर बनेगी एकदम। तो पतंग देख लेते हैं, ये उड़ाते हैं पतंग को। तो एक बार कन्ने बांध के दिखा देते हैं पहले आपको, जिसको नहीं आते हैं। अब इतनी दूरी पे कर ले, मतलब ऐसे करके हाथ को जितने जहां तक भी जाए वहीं पे दो छेद करते हैं। और आपको ये तो पता ही होगा कहाँ कर रहे होते हैं, बाकी सीधा कन्ने बांध के दिखा देते हैं। एक साइड से डालना है, दूसरी तरफ से निकालना है, फिर यहां पे नोट लगा देना है, फिर दूसरी तरफ भी सेम करना है बिल्कुल। दो नोट लगा दें तो कन्ने बन चुके हैं। और अब मेन काम, तो पतंग को ऐसे रख के और इतना इस तरफ नाप लें और इतना इस तरफ नाप लें, और फिर ये बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। हवा बहुत तेज चल रही है आज, ठीक है, बिल्कुल इक्वल हो जाएगा फिर ये। और मैं तो अंदाजे से बांधता हूँ, तो उसे करके इक्वल जैसे मैंने आपको बताया और कन्ने बांध लें। ये आने वाला है बहुत मज़ा। तो सीधा बांधते हैं डोर को इसमें और उड़ाते हैं पतंग। चलिए, और जब मतलब बीच में से नहीं मोड़ने होते, आगे से मोड़ने होते हैं जहाँ से कन्ने बनने हैं। तो ऐसे करके आप आराम से झप मोड़ लें अपने, ज़्यादा भी ना करें टूट ही जाएंगे। आराम से अपने झप मोड़ लें, आवाज बहुत ज्यादा बढ़िया चल रही है, एकदम सुड़ गई है पतंग। सामने जितनी भी पतंग उड़ रही है ना, कम से कम भी 6-7 पतंग उड़ रही है। एक बार दिखाइए भाई, सारी काटेंगे पूरा। मेरे को तो बहुत मजा आता है पतंग उड़ाने में भाई, मैं बचपन से उड़ा रहा हूँ। अब उनका 2 सेकंड में उड़ा देते हैं पतंग। तो पतंग हमारी पहुंच चुकी है आसमान की ऊंचाइयों में, दिखा दे भाई एक बार। और 2 मिनट लगे हैं मेरे को यहाँ तक पहुंचाने में। वो राइट में पतंग दिख रही होगी आप लोगों को, सबसे पहले वो काटते हैं उसे। हाँ भाई, बढ़ा के काटूंगा, बढ़ा के काटूंगा। तो पतंग कटने वाली है सामने भाई, ऐसे लगा दूं क्या आज पेचे? ऐसे ढील लेते लगा दूं। ओ भाई मजा आ रहा है, बहुत दिनों बाद उड़ा रहा है तेरा भाई। तो भाई अब हो चुकी है काटने लायक, अब लगा देते हैं हीट में और अब काटते हैं इसकी पतंग। आपको हमारी पतंग दिख रही है ना, एक बार पतंग पे जूम मार के दिखा दे भाई। ऊपर वाली पतंग मेरी है, ऊपर वाली, नीचे वाली काटेंगे अब हम। पतंग उड़ चुकी है अपनी और नीचे पतंग उड़ रही है मेरे, एक बार दिखा दे भाई। ऊपर वाली मेरी है, ब्लू वाली, वैसे इतना पता नहीं चल रहा होगा, ब्लैक ही दिख रही होगी। ऊपर वाली मेरी है और नीचे वाली यहीं से एक बंदा उड़ा रहा है, वही पीछे लटने वाले हैं अपने। तो यार ये बंदा बार बार बचा लेता है यार, मैं ऊपर से लेके जा रहा था फिर इसने बचा ली। आई बो,
भाई पहली पतंग काटते हुए तो भाई सिपाही की काटी अपने पतंग, भाई देखो लपेट भी रहा है अभी तक भी और भी भाई का किसी ने आके मांझा भी पकड़ लिया था। तो चलिए दूसरी पतंग काटते हैं। अब ये नीचे वाली है, ऊपर जो सुनी खड़ी है वो पीछे से उड़ी है, उसे काटते हैं। अब यार बहुत बार नहीं पड़ गई मेरे को पतंग, इतनी दूर थी ना मेरी पतंग, क्या बताऊं। अभी ये बंदा यार हिला भी नहीं रहा पतंग को। मेरी नीचे वाली है भाई, हमारी नीचे वाली पतंग है यार, काट दूं क्या? मेरी पूरी पतंग उतरवा दी यार इसने, पीछे से उड़ा ली किसी ने। चलो काटते हैं इसे। आई वो हमारी कट चुकी है, तो हमारी कट चुकी है भाई, क्योंकि उसने पतंग खड़ी करी हुई है यार और पीछे से उड़ा रहा है। मेरी पूरी पतंग भी उतरवा दी भाई। एक और पतंग उड़ चुकी है नीचे, काटते हैं उसको। ऊपर वाली मेरी है, जो दूर है वो मेरी है, ये पास में उड़ी है अभी, ये भाई उड़ा रहा है जिसकी पहले काटी थी हमने, इसकी फिर से काटते हैं। फिर से काट दी इसकी हमने, फिर से काट दी भाई, बोल भी रहा था मत काटो पर हम का रुकने वाले हैं ऐसे। तो भाई पतंग मेरी हाथ से टूट के चली गई है, इतनी मेहनत से काट दी और इतनी दूर तक उड़ा दी थी और हाथ से टूट के चली गई, मैं खींच मार रहा था और टूट के चली गई है। तो अब सीधा आने वाले हैं इस पेपर से पतंग। मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी और भाई बहुत ही मजा आया था उस वीडियो को देख के। उसने मतलब एक पेपर की वजह से A4 शीट की हेल्प से पतंग उड़ा दी थी। इसको पतंग बनाएंगे और इसको उड़ाएंगे, बहुत मजा आने वाला, तो प्लीज देखें आप। तो आपको सिखा भी देते हैं, पहले शीट को इक्वल करना है ऐसे और बीच में बस हल्का सा निशान लगाना है कि हमें पता रहे कहाँ पे सेंटर है। फिर इस तरफ से भी सेम चीज करनी है और फिर इस तरफ से भी सेम निशान लगा दे। और फिर क्या करना है, इस पेपर को ऐसे लेके पीछे फोल्ड करना है ऐसे, और इधर से भी ऐसे पकड़ के ऐसे कर देना है, ठीक है। और अब हमें चाहिए होगी जरूरत स्टेपलर की। स्टेपलर कहाँ गया भाई, वो रहा। तो स्टेपलर करना पड़ेगा हमें, एक स्टेपलर लगाएंगे बस, और एक यहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे हम अपना मांझा बांध लेंगे। तो एक दिक्कत लग रही है, उसने रील होती है ना जो जिससे कपड़े सिलते हैं, उससे उड़ाई थी पतंग को। अब हमें उड़ाना पड़ेगा मांझे से, क्योंकि हमारे पास वो है नहीं और अब इतना टाइम नहीं, मैं घर से नीचे से जाके लेके आऊँ। तो ट्राई करते हैं इससे हो पाता है तो आप देखें, कुछ ना कुछ तो मज़ा आएगा ही। पहले बांध देते हैं इस पर। तो ये बांध दिया भाई, मज़ा आ जाएगा अगर ये उड़ गई ना, मज़ा आ जाएगा भाई, दिल खुश हो जाएगा, छत पे आना सफल हो जाएगा अपना। तो भाई ट्राई करते हैं भाई, ये भारी पड़ रहा है बहुत ज़्यादा इसको। भैया प्लीज़ उड़ जाइयो यार इस बारी, प्लीज़ भाई पतंग प्लीज़ उड़ जाइयो। मेरे को लग नहीं रहा इस बारी भी उड़ेगी, क्योंकि पेपर ही नहीं लग रहा उड़ने वाला यार। वो पेपर पता नहीं उसने कौन सा यूज़ करा है, समझ नहीं आ रही मेरे को। उड़ जा। हवा भी बहुत तेज चल रही है, ऐसा नहीं है कि हवा भी नहीं चल रही। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पा। तो ये पतंग उड़ाते उड़ाते हो चुका हूँ मैं परेशान, अब इसे फाड़ेंगे। अब उस वीडियो पे जाके अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे या उससे पेपर पूछेंगे सीधा कि भाई कौन सा पेपर यूज़ करा, यही बता दे, हम भी उड़ा लेंगे, थोड़ा हमारा भी भला हो जाएगा। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे रैप। और यार अगर वो उड़ जाती ना पेपर वाली पतंग भाई, मज़ा आ जाता, मतलब कसम से यार, जहर चीज थी वो, पर नहीं उड़ पाई थी। क्या लग रहा है, क्या सीन था, मतलब क्यों नहीं उड़ पाई यार भाई? उसका पेपर अलग था, अब हमें समझ नहीं आई वो यार, तो पेपर उसका बिल्कुल नहीं पता चल रहा, कमेंट करके देखना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।